श्री असदुद्दीन ओवैसी जी, एक मिनट जरा। जिन माननीय सदस्यों को अपने भाषण सभा पटल पर रखने हैं वो कृपया रखें, उनको अनुमति है प्लीज। शुक्रिया सर, मैं सदर जमहूरिया के खुतबे की मुखालिफत में खड़ा हुआ हूं। मैं बरसर इख्तदार जमात से जानना चाहूंगा, क्या ये सच नहीं है कि आप ही के आदाद व शुमार 75वां एनएसएसओ का डेटा ये कहता है कि 25% मुस्लिम बच्चे पैसों की गुर्बत की वजह से तालीम से ड्रॉप आउट हो जाते हैं? क्या ये सच नहीं है कि 7 साल से ऊपर जो बच्चों का खवानगी का तनासुब है तमाम मजाहिब में सबसे कम मुसलमानों का है? क्या ये सच नहीं है कि ग्रॉस अटेंडेंस रेशियो तमाम मजाहिब का सबसे कम मुसलमानों का है? क्या ये सच नहीं है कि सबसे कम एनरोलमेंट जो होता है वो मुसलमानों का है? क्या ये सच नहीं है कि AISHE की रिपोर्ट ये कहती है कि हायर एजुकेशन में मुसलमान का तनासुब 5% से 4% पर आ चुका है? और ये सरकार इन तमाम आदाद व शुमार को देखते हुए, इनके आदाद व शुमार को सामने रखते हुए सदर जमहूरिया के खुतबे में लफ्ज़े अकलियत का, माइनॉरिटी का जिक्र भी नहीं किया गया जो भारत की आबादी का 19% का हिस्सा है। यह इनकी मोहब्बत है अकलियतों से और मुसलमानों से। सर, क्या यह बात सच नहीं है कि आपने माइनॉरिटी के बजट को 40% कम कर दिया, स्कॉलरशिप के पैसों में 560 करोड़ रुपए कम कर दिए? ये आपकी मोहब्बत है जो नफरत की निशानी बनती है। नरेंद्र मोदी की सरकार ये नहीं चाहती कि अकलियत और मुसलमानों के बच्चे तालीम याफ्ता होकर इस देश को मजबूत करें। वो उनको हमेशा गुर्बत और नाइंसाफी का शिकार बनाकर रखना चाहती है। सर, दूसरी बात इसमें यह है कि आज अकलियतों को मुसलमानों के ताल्लुक से कोई महीना ऐसा नहीं जाता जहां पर उनको जान से मारने की धमकी नहीं दी जाती। बरसर इख्तदार जमात के एक MP साहिबा ने कहा कि चाकुओं को सिर्फ तरकारी के लिए इस्तेमाल मत करो, गर्दनें काटने के लिए इस्तेमाल करो। बरसर इख्तदार जमात के एक MP ने दिल्ली में कहा कि मुसलमानों का समाजी बायकॉट करो। बरसर इख्तदार जमात ने गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन को हरा रंग किया गया था, उसको ये कहकर तब्दील कर दिया कि मुसलमानों का रंग है। सर, मैं पूछना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार तिरंगे के हरे रंग को निकाल देंगी कि हरा रंग मुसलमानों का है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार खरबूजे पर पाबंदी आयद कर देगी और देश की जनता से कहेगी कि नागपुर में आपके हेड ऑफिस में उगा हुआ सिर्फ संतरा खाया जाएगा? सर, नारी शक्ति की आप बात करते हैं तो बिल्किस बानो अगर मुसलमान नहीं होती तो बिल्किस बानो को इंसाफ मिल जाता। 20 साल से बिल्किस बानो लड़ रही है मगर उसका नाम बिल्किस बानो है। आप इंसाफ नहीं करना चाहते बिल्किस बानो से। ये नारी शक्ति आपकी है, पसमानदा मुसलमान से आपकी मोहब्बत दीजिए। 1950 के प्रेसिडेंट ऑर्डर तरमीम करिए, दलित मुस्लिम का स्टेटस पसमानदा को दीजिए। आप नहीं देना चाहते। क्या मजहबी आजादी का उनको हक हासिल नहीं है? स्पीकर साहब, मैं मुसलमान हूं, मेरे बगैर ये मुल्क नामुकम्मल है। मैं इस मुल्क का यरगमाल नहीं हूं, मैं इस मुल्क का कैदी नहीं हूं। मैं पूरे सिटीजनशिप की राइट को चाहता हूं और अभी चाहता हूं। कब आप बिहार के सुरजापुरी और कोल्हैया बादरी को कौमी OBC स्टेटस देंगे? स्पीकर साहब, दूसरी अहम बात मैं कहना चाह रहा हूं, चीन का जिक्र आपने किया, क्या प्रधानमंत्री अपनी जबान को जुम्बिश देंगे और चीन का नाम लेंगे? क्या आप चीन को डेमचौक और डेमसांग से उखाड़ कर फेंकेंगे? DGP कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन साहब कहा गया कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर भारत की फौज पेट्रोलिंग नहीं कर सकती है। चीन से आप डरते हैं? अरे डिसइंगेजमेंट हुआ तो डीएस्केलेशन कब होगा, डी इंडक्शन कब होगा? चीन से आप डरते हैं? 3 साल से चेयरमैन साहब 50,000 भारत की फौज हजारों फीट चोटियों पर बर्फ में खड़ी हुई है। देश के प्रधानमंत्री को क्या भारत की आवाम पर भरोसा नहीं है, भारत की फौज पर भरोसा नहीं है? अरे चीन का नाम लीजिए वजीर आजम, डरिए मत चीन से। तीसरी पॉइंट सर, हमारे कानून के मंत्री चले गए पैराग्राफ 79 और 82 में, बेसिक स्ट्रक्चर पर, आईनी होदों पर बैठे हुए लोग बेसिक स्ट्रक्चर पर तनकीद करते हैं, लॉ मिनिस्टर कलेजियम पर तनकीद करते हैं। इस ऐवान में जब NJIC का बिल आया,
मैं वाहिद एमपी था, अब याद होगा आपको, जो मैंने कहा था कि भारत के संविधान के खिलाफ होगा बेसिक स्ट्रक्चर के। इंदिरा गांधी से सबक हासिल करना चाहिए। इंदिरा गांधी कहती थी कि जुडिशियरी मेरी पाबंद होना, अब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जुडिशियरी मेरी वफादार होना। इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट किया, देश की जनता ने इंदिरा गांधी को इख्तदार से बेदखल कर दिया। आप वही इंदिरा गांधी की इरा को ला रहे हैं। आप बताइए स्पीकर साहब, क्या ईसाई मानने वाले व्हाइट टेरर हैं? क्या ईसाई मजहब के लोग व्हाइट टेरर को फरोख देते हैं? आप बताइए। मैं यहां पर जजेस को तहफुज करने के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं बेसिक स्ट्रक्चर की हिफाजत में बोल रहा हूं, मैं अदलिया की आजादी के लिए खड़ा हूं, मैं एग्जीक्यूटिव की आजादी के लिए खड़ा हूं, लेजिस्लेचर की आजादी के लिए खड़ा हूं। चेयरमैन साहब, कोर्ट का काम यह नहीं है, जजेस का काम यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार की मदद करे, अदलिया का काम यह है कि इस देश की कमजोर और मजलूम आवाम से इंसाफ किया जाए। चौथा पॉइंट स्पीकर साहब, यहां पर एक बड़े सरमाएदार का जिक्र किया गया है, क्या यह बात सच नहीं कि कांग्रेस और बीजेपी ने ओलिगार्क्स को पैदा किया? आप दोनों ने मिलकर ओलिगार्क्स को पैदा किया। आज इसी वजह से 60% मुल्क की दौलत 1% जनता के पास है। आप दोनों ने बैठकर मलई खाई और गरीब और नौजवान पिस रहा है। अरे बताओ, ये जो 28 लोगों की लिस्ट है जो देश का पैसा खाकर भाग चुके हैं या बैठे हुए, उसमें कोई मुगलों का नाम है क्या? कोई मुगलों का नाम नहीं है, मगर आप उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। संडे सराज कंपनी है 15,000 करोड़, नाइजीरिया और केनिया की कोर्ट में जाकर कहती है कि हम हिंदू हैं, भारत को आएंगे तो प्रोसिक्यूशन होगा। आपने कोर्ट में कुछ नहीं कहा, वहां पर एसआईटी आपने बनाई, मगर शुक्र है मैं लाइटर सर लाइटर वेन में कह रहा हूं कि हाइडनबर्ग अगर यहां होता तो यूएपीए लग जाता उस पर। और सर, मैं नरेंद्र मोदी सरकार को मशवरा दे रहा हूं लाइटर वेन में कि ये अंग्रेजी का अल्फाबेट ए बड़ा अशुभ है आपके लिए। डबल ए को आपने कहा कि बेटा फाइटर एयरक्राफ्ट बनाओ, बैंकक्रप्ट हो गया। अब कैपिटल ए को आपने 17 इंडस्ट्री दे दिए, हम पूरे विश्व में मार्केट कैप हमारा 5वें नंबर पर आ गया। सर देश के प्रधानमंत्री से बताना चाह रहा हूं कि वजीर दाखिला का नाम भी ऐसे शुरू होता है। मैं खत्म कर रहा हूं। मैं स्पीकर साहब, चेयरमैन साहब, मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि क्या जनवरी 2024 और फरवरी में क्या ये सरकार थर्मो न्यूक्लियर ब्लास्ट करने जा रही है? क्या आपने हमारे अतराफ में देख लिया कि उसके वाकिफ और नतायज क्या निकलने वाले हैं? चेयरमैन साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि चीन के बारे में क्या हमको बीबीसी की रिपोर्टिंग की जरूरत पड़ेगी, जिस तरह 2002 गुजरात के बारे में कहा गया। स्पीकर साहब, अकलियतों के बारे में, मुसलमानों के बारे में एक शायर ने कहा था, आग से आग बुझाने को कहा जाता है, जख्म पे जख्म खाने को कहा जाता है, हम वफादार है बताने के लिए हमको अपना सर कटाने के लिए कहा जाता है। सर, देश के प्रधानमंत्री पूरे फॉरेन टूर में जाते हैं, वहां पर गांधी का नाम लेते हैं। मुझे अप्रिहेंशन खदशा इस बात का है कि इस देश में दो बाबाए कौम हो जाएंगे, एक सावरकर होगा और एक सौतेला बाबा कौम, कहीं आप महात्मा गांधी को ना महा बना दे। तो सर मैं खत्म कर रहा हूं। इसीलिए मैं आपके जरिए से हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को डिस्टर्ब ना किया जाए, मुसलमानों का अखिलियतों का बजट बढ़ाया जाए, बिलखिजबानों से इंसाफ करिए, चीन से मत डरिए प्रधानमंत्री, चीन को कार्ड पर फेंकिए। शुक्रिया सर, सीमित समय लीजिए प्लीज सर, क्योंकि रिप्लाई भी उन्हें आपको पता है।